YouTube channel Sabi Forensics. So friends, हमारी जो आज की ये वीडियो है ये आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आपका जो बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं उन्हीं क्वेश्चंस का आज मैं आंसर देने वाली हूँ इस एक ही वीडियो में. ठीक है, अभी यहाँ पर हम बात करेंगे 12th स्टैंडर्ड से लेकर के आपका जो फोरेंसिक साइंस में करियर आपको किस तरह से सेट करना है वहां तक. तो पूरी जर्नी हम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक लेकर चलेंगे और जितने भी आपके क्वेश्चंस होते हैं तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर मिल जाएगा. तो इस वीडियो को कोई भी 12th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट देख रहा है, बीएससी का देख रहा है, मास्टर्स का देख रहा है, वो सारे के सारे स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है. और यहाँ पर आपके जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं जो मेरे पास अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर आते रहते हैं उन्हीं सारे क्वेश्चंस का समअप मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ. ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं. और सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं 12th से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो अभी यहाँ पर सबसे पहले जब भी कोई स्टूडेंट 12th क्लास में होता है तो उसके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि 12th के बाद में आपको किस फील्ड में जाना चाहिए. अभी यहाँ पर अगर हम बात करें कि कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको फोरेंसिक साइंस में इंटरेस्ट है या फोरेंसिक साइंस के बारे में थोड़ा बहुत पता है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं पता है, तो अभी वो क्या करेगा, अभी वो गूगल पर सर्च आउट करना स्टार्ट करेगा. ठीक है, तो यहाँ पर हो सकता है बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिनको पता नहीं होगा कि फोरेंसिक साइंस का मतलब क्या है. सो बेसिकली बहुत ही जनरल सेंस में अगर आपको समझाऊं तो अगर आपने शेरलॉक होम्स देख रखी होगी, अगर आपने सीआईडी देख रखा होगा, अगर आपने जो इस तरह के क्राइम वाले केसेस रहते हैं, इस तरह की सीरीज आती है, मूवीज आती है, ये सब देख रखा होगा, तो वहां पर आपने एक चीज देखी होगी, कोई भी केस होता है, कोई भी क्राइम होता है तो उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक अलग से ऑफिशियल्स आते हैं. ठीक है, तो वो जो ऑफिशियल्स होते हैं जो पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, हर एक एविडेंस की एनालिसिस करते हैं. एविडेंस का मतलब होता है कि वहां पर जो भी चीजें आपको आपकी क्राइम केस जो रहते हैं उसकी सीन पर जो भी सराउंडिंग्स में चीजें अवेलेबल होती हैं उन सभी का एग्जामिनेशन करा जाता है और लास्ट में जो भी क्रिमिनल होता है जिसने वो क्राइम किया होता है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है. तो ये सारा जो काम होता है ये एक फोरेंसिक साइंटिस्ट का होता है. तो बेसिकली फोरेंसिक साइंस का बहुत ही जनरल टर्म में अगर हम समझें तो कोई भी अगर क्राइम हो रहा है तो उसकी एनालिसिस करना, उसका इन्वेस्टिगेशन करना एंड जो क्रिमिनल है उसका उसको पूरा आइडेंटिफाई करना एंड देन लास्ट में बेसिकली जो लीगल कंटेक्स्ट में चीजें होती हैं, जुडिशियरी से रिलेटेड जो चीजें होती हैं तो वो सारी चीजें आपकी आ जाती हैं. और बेसिकली जो आपकी फोरेंसिक साइंस है ये साइंस का ही, बहुत सारी साइंस की एप्लीकेशंस का ही आपका लीगल वे में स्टडी होती है फोरेंसिक साइंस में. मतलब कि जितनी भी साइंसेज हैं अलग अलग प्योर साइंस होती हैं, जूलॉजी है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, तो इन्हीं सारी जो आपकी ब्रांचेज हैं साइंस की इनके एप्लीकेशंस का यूज करा जाता है फोरेंसिक साइंस में इन लीगल कंटेक्स्ट. ठीक है, तो ये हो गया आपका फोरेंसिक साइंस का एक शॉर्ट में ओवरव्यू. ठीक है, सो आई होप यहां तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि फोरेंसिक साइंस का क्या मतलब है. तो अभी अगर हम आगे चलें और यहां पर अगर हम बात करें कि 12th स्टैंडर्ड में कोई बच्चा है और उसको ये जानना है कि फोरेंसिक साइंस अगर उसको आगे परस्यू करना है तो बैचलर्स में उसका फोरेंसिक साइंस लेना सही रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि फोरेंसिक साइंस में जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है वो रहता है जॉब का, क्योंकि वैकेंसीज इस फील्ड में बहुत ही कम निकलती हैं. तो इसी वजह से सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन रहता है कि बैचलर्स ऑफ फोरेंसिक साइंस में करें या फिर बैचलर्स ऑफ प्योर साइंस में करें. जॉब के बारे में अभी हम आगे बात करेंगे लेकिन उससे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर देती हूँ, बैचलर्स आपको किस में करना चाहिए. सो बेसिकली अगर आप 12th क्लास के बच्चे हैं तो बैचलर्स की अगर हम बात करें तो बैचलर्स आप फोरेंसिक साइंस में भी कर सकते हैं, बैचलर्स आप प्योर साइंस में भी कर सकते हैं, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. बस प्रॉब्लम यहां पर आ जाती है कि जब भी कई बार क्या रहता है वैकेंसीज जो आती हैं तो वहां पर जो बैचलर्स की डिमांड करते हैं तो उसमें कई बार क्या रहता है फोरेंसिक साइंस मांगते हैं, बहुत बार रहता है फोरेंसिक साइंस नहीं मांगते हैं. ठीक है, जहां पर फोरेंसिक साइंस मांग रहे हैं वहां पर प्योर साइंस तो मांगेंगे ही, तो जो प्योर साइंस वाले होंगे वो तो एप्लीकेबल हो ही जाएंगे, लेकिन जहां पर सिर्फ प्योर साइंस मांगते हैं वहां पर आपका फोरेंसिक साइंस नहीं मांगा जा रहा है तो उस कंडीशन में फोरेंसिक साइंस आपके पास है तो आप उस फील्ड में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, उस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे. तो इसी वजह से यहां पर आपका बैचलर्स प्योर साइंस में ज्यादा बेस्ट हो जाता है, क्योंकि अगर आपके पास आपने बैचलर्स में ही फोरेंसिक साइंस ले लिया तो आपके पास रिस्ट्रिक्शन लग जाता है, आप एक डिमार्केट कर लेते हैं अपनी सराउंडिंग को. बेसिकली सराउंडिंग का मतलब यहां पर यह है कि अगर आपके पास बैचलर्स फोरेंसिक साइंस में है तो वहां पर आप सिर्फ और सिर्फ फोरेंसिक साइंस से रिलेटेड ही वैकेंसीज के लिए एप्लीकेबल होने वाले हैं. और कई बार क्या रहता है कि आपकी फोरेंसिक साइंस में उतनी ज्यादा वैकेंसीज नहीं आती हैं,
तो इस वजह से आपको आगे चलकर प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए बेटर ऑप्शन रहता है कि आप एक बैकअप लेके चलें, और बैकअप के लिए आपको बैचलर्स प्योर साइंस में करना चाहिए ताकि आपके पास बाद में और सारी अपॉर्चुनिटीज ओपन रहें, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या रहता है, हर जगह आपका फोरेंसिक साइंस नहीं मांगा जाता है, हर जगह आपका जरूरी नहीं है कि आपका बैचलर्स से ही फोरेंसिक साइंस मांगे, मास्टर्स फोरेंसिक साइंस मांगा जाता है, लेकिन बैचलर्स फोरेंसिक मांगा जाए वो आपका जरूरी नहीं होता है। और बहुत सारी स्टेट वाली जो वैकेंसीज आती है वहां पर आपका सिर्फ और सिर्फ बैचलर्स प्योर साइंस में डिमांड करी जाती है, और वो वैकेंसीज आपके बैचलर्स की स्टेट, बैचलर्स का जो सब्जेक्ट रहता है उसके बेस पर ही होती है। तो इसी वजह से आपके लिए बेटर ऑप्शन रहता है कि आप बैचलर्स अगर कर रहे हैं तो बैचलर्स आपका प्योर साइंस में होना चाहिए, ठीक है। ऐसा कोई ये नहीं है कि बैचलर्स आपको प्योर साइंस में ही करना है, आपको जो बेस्ट ऑप्शन लगे वो आप कर सकते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग जो बेटर ऑप्शन है वो आपका प्योर साइंस होता है। तो यहाँ पर अभी हमने ये बात तो कर ली कि बैचलर्स आपको फोरेंसिक साइंस में करना चाहिए या बैचलर्स आपको प्योर साइंस में करना चाहिए। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके बैचलर्स फोरेंसिक साइंस के भी होंगे, बैचलर्स प्योर साइंस के भी होंगे। तो अगर हम बात करें यहाँ पर आपको जो फोरेंसिक साइंस वाले हैं, तो जिन्होंने बैचलर्स फोरेंसिक साइंस में कर रखा होता है तो उनके माइंड में अब ये क्वेश्चन आता है कि क्या उनको फर्दर मास्टर्स कंटिन्यू करना चाहिए फोरेंसिक साइंस में या नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो बैचलर्स मास्टर्स आपका बैचलर्स जो है फोरेंसिक साइंस में कर रखा है, तो उनको फर्दर स्टडी की क्या रिक्वायरमेंट है, उनको जॉब उनके बैचलर्स के लेवल पर मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर आपको फोरेंसिक साइंस में करियर बनाना है तो बैचलर्स सफिशियंट नहीं है आपका, क्योंकि बैचलर्स के बेस पर बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं, लेकिन वो बहुत ही कम होती हैं, और सिर्फ आप बैचलर्स के बेस पर फोरेंसिक साइंस में वैकेंसी का वेट करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, और कोई गारंटी नहीं है कि आपका इस फील्ड में कुछ करियर आगे बन पाए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें जो आपके बैचलर्स प्योर साइंस वाले हैं, तो अगर उनका सच में अंदर से इंटरेस्ट है फोरेंसिक साइंस में कुछ करने का, फोरेंसिक साइंस के बारे में और जानने का, उसको पढ़ने का, तो वो डेफिनेटली आपका मास्टर्स फोरेंसिक साइंस में कर सकते हैं, लेकिन तभी करें जब उनके अंदर पेशेंस हो, उनके अंदर पूरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो। सिर्फ किसी के कहने पर, सिर्फ इधर उधर की चीजें देखने के बाद में करना बिल्कुल भी मैं सजेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि इसमें पेशेंस की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। और दूसरी चीज ये है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसको करने के बाद में आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज का रिग्रेट नहीं होना चाहिए। अगर आपने बैचलर्स भी फोरेंसिक साइंस में कर रखा है तो ये नहीं है कि आप उस बात का रिग्रेट करें कि मैंने ये क्यों करा। जो आपके पास है, जो आप इस समय कर रहे हैं, प्रेजेंट कंडीशन में कर रहे हैं, उसके लिए आपको खुश होना चाहिए कि मैंने इतना किया। क्योंकि जब आप अपने आप से क्वेश्चन करेंगे तो आपके पास एक पॉजिटिव आंसर आना चाहिए, और जब पॉजिटिव आंसर आता है और जब आप अपने काम से, आप अपने सब्जेक्ट से खुश होते हैं, तो वो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छी हाइट्स तक लेके जाता है, आपका करियर बहुत अच्छी ग्रोथ होती है करियर में, ठीक है। तो ये चीज हो गई। और यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं आपके प्योर साइंस की, तो जिन्होंने बैचलर्स प्योर साइंस में किया है तो उनके साथ तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है फोरेंसिक साइंस में भी और फोरेंसिक साइंस के बाहर भी, ठीक है। अब यहाँ पर जो बैचलर्स फोरेंसिक साइंस में कर रहे हैं उनका इंटरेस्ट है, तो वो डेफिनेटली मास्टर्स के लिए अप्रोच कर सकते हैं। अगर आपको फोरेंसिक साइंस में करियर बनाना है तो आपको मास्टर्स से फोरेंसिक में करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब मास्टर्स आपने फोरेंसिक साइंस में कर लिया, अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि आपको क्या स्पेशलाइजेशन चूज करना चाहिए। तो यहाँ पर स्पेशलाइजेशन का जो सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है, तो उसका बस यही आंसर है कि जिस भी फील्ड में आपको सबसे ज्यादा नॉलेज हो, आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट हो और उसके बारे में जानने की क्यूरियसनेस हो, उसी फील्ड में, उसी आपका सब्जेक्ट में आपको स्पेशलाइजेशन करना चाहिए। यहाँ पर आपको ये नहीं देखना चाहिए कि किस फील्ड में ज्यादा स्कोप है, किस में कम स्कोप है, क्योंकि यहाँ पर जो फोरेंसिक साइंस है, एक तरह से आपकी ग्रोथ हो रही है, वो धीरे धीरे उसमें ग्रोथ हो रही है, ऐसा नहीं है कि वो डेवलप हो चुकी है, वो एक तरह से डेवलपिंग बोल सकते हैं, डेवलपिंग फील्ड है आपकी। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलरली इस फील्ड में ज्यादा स्कोप है, ऐसा नहीं है यहाँ पर। तो इसी तरह से जिस भी फील्ड में आपको इंटरेस्ट हो, आपको नॉलेज हो, आपको क्यूरियसनेस हो उसके बारे में जानने की, वही फील्ड आपके लिए स्पेशलाइज्ड, आपको उसमें स्पेशलाइजेशन करना है। और बेसिकली ये बात मैं सिर्फ इस वजह से नहीं कह रही हूँ क्योंकि फोरेंसिक साइंस एक डेवलपिंग फील्ड है, बल्कि इस वजह से भी क्योंकि अगर आप किसी दूसरी फील्ड में भी काम करते हैं, किसी दूसरी फील्ड में भी इंटरेस्टेड है, तो बेसिकली जो आपका इंटरेस्ट जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में होता है, जिस पर्टिकुलर टॉपिक में होता है, आपको क्यूरियसनेस होती है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर आपको काम करने में इंटरेस्ट आता है, और जिस भी काम के लिए, जिस भी टॉपिक के लिए आपको इंटरेस्ट आता है, आपको अच्छा लगता है,
आपके अंदर से एस्पिरेशंस आती हैं, तो उस फील्ड का जो रिजल्ट होगा, उस पर्टिकुलर काम करने का आपका जो रिजल्ट होगा वो 100% होगा, क्योंकि आपने अपना 100% दिया, क्योंकि आपको उसमें इंटरेस्ट था। तो इसी वजह से आप कोई भी चीज को चूज करें, कोई भी काम को चूज करें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, वही आपको करना चाहिए। ये चीज आप ही के लिए बेनिफिशियल हो जाती है, ठीक है। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि इन्होंने कहा है या उन्होंने कहा है या फिर ये चीज ज्यादा बेटर है, तो सिर्फ इतनी चीजें नहीं देखनी होती है। आपका जिसमें इंटरेस्ट होता है वो सबसे टॉप पर आपको रखना चाहिए, वो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट जब हम बात करें तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहते हैं बहुत सारे लोगों के कि सर्टिफिकेट कोर्स, जो बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं, तो वो आपको करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। क्योंकि मास्टर्स के बाद में जनरली अभी लॉकडाउन जब हुआ है तो बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज कराए गए हैं, तो उसमें आपको बेसिकली मेन क्वेश्चन तो ये है कि जो आपके सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं तो उनको करने से आपका रिज्यूमे अट्रैक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि जनरली जो भी करते हैं इसी वजह से करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जितने भी सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं वो सारे ही कोर्सेज आपके रेज्यूमे को अट्रैक्टिव बनाने के लिए यूजफुल नहीं होते हैं, क्योंकि अगर आप कोई ऐसा कोर्स कर रहे हैं जिसका टॉपिक बहुत ही कॉमन है, जो ऑर्गेनाइजेशन उतना पॉपुलरली नोन नहीं है, तो उसका जब आप कोर्स करेंगे तो वो कोर्स आपका कोई बिल्कुल डिफरेंट नहीं लगेगा आपके रेज्यूमे में, तो अट्रैक्टिव जैसा तो बात ही नहीं बनी। अगर आपको कोई सर्टिफिकेट कोर्स करना ही है तो ऐसा कोर्स करिए जिसके बारे में आपको पहले से ना पता हो। बेसिकली जो सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं वो आपकी नॉलेज को और इन्हांस करने के लिए होते हैं, ताकि आपको जो चीजें नहीं पता है वो चीजें आपको पता चले। तो अगर कोई कोर्स ऐसा है जिसका टॉपिक थोड़ा सा अट्रैक्टिव है, जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा था, कुछ यूनिक सा टॉपिक है, कुछ डिफरेंट सा टॉपिक है जिसके बारे में आपको अभी तक नहीं पता था, और ऐसा नहीं है कि नहीं पता था का मतलब कि वो कॉमन टॉपिक हो, आपको पता नहीं था का मतलब है कि वो थोड़ा सा अलग टॉपिक है जो आपका थोड़ा सा अलग ही है, कॉमन नहीं है, ठीक है। और उसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा सा पॉपुलरली नोन आपका ऑर्गेनाइजेशन है, वो कोर्सेज जब आप करते हैं तो वो चीजें थोड़ी बहुत आपके रेज्यूमे में अट्रैक्टिव बना देती हैं आपके रेज्यूमे को। लेकिन सारे ही सर्टिफिकेट कोर्सेज को करना, सारे ही टॉपिक के सर्टिफिकेट कोर्स को करना बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, बाकी आपको जैसा अच्छा लगे आप कर सकते हैं, ठीक है। ये तो आपका हो गया सर्टिफिकेट का। उसके अलावा यहाँ पर हम बात करें कि हमने बात कर ली कि मास्टर्स आपने कर लिया, मास्टर्स के बाद में क्वेश्चन आता है नेट का, तो नेट आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बेसिकली नेट को मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूंगी, क्योंकि अगर आपने नेट कर रखा है तो आपको नेट जारी अगर आपका क्लियर है तो आपको पीएचडी के लिए डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि अगर आपको फोरेंसिक साइंस में करियर बनाना है तो पीएचडी से अच्छा एक्सपीरियंस गेन करने का दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता है। ये आपका अच्छा भी है और आसान भी है, बस आपको नेट जारी क्लियर करने के लिए थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसी वजह से नेट जारी तो डेफिनेटली आपको करना ही करना चाहिए, और उसके बाद में अगर आपको पीएचडी करने का खुद से मन है तो आप डेफिनेटली करिए, बाकी एक्सपीरियंस गेन करने के और बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जिसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, तो आप चाहे तो उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई बेसिकली एक्सपीरियंस का, तो मैंने अलग से बनाया है, मैं यहाँ पर बताऊंगी तो वो लेंदी ये वाला वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा और मुझे वही सारी चीजें बतानी है, तो इससे बता दें कि जो हमारा पुराना वीडियो अवेलेबल है चैनल पर तो आप उसको देख लेना, ठीक है। तो ये चीजें हो गई आपकी एक्सपीरियंस वगैरह से रिलेटेड और नेट वगैरह हो गया। अब यहाँ पर हम बात करें कि जॉब, तो बेसिकली जो आपकी फोरेंसिक साइंस है, तो यहाँ पर जो मैंने आपको चार्ट आपकी कुछ चीजें बताई हैं, जैसे कि आपका पेशेंस है, आपका डेडिकेशन है, आपकी क्यूरियसनेस है, तो ये सारी चीजें होनी चाहिए, और अगर ये सब है तो आप डेफिनेटली आराम से कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि जॉब कैसे कैसे करना चाहिए, कैसे कैसे आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर आई बहुत सारे लोगों के निगेटिव आंसर्स आएंगे, बहुत सारे के लोगों के माइंड में बहुत सारे निगेटिव क्वेश्चन आएंगे। बेसिकली क्वेश्चन यही रहेंगे कि अगर मैंने मास्टर्स कर रखा है फोरेंसिक साइंस में तो मैं अलग से किसी स्पेशलाइज्ड मतलब किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए प्रिपेयर क्यों करूं, क्योंकि मैंने मास्टर्स कर रखा है तो मुझे जॉब मिलनी चाहिए ऐसे ही सिर्फ मेरे मास्टर्स के बेस पर। लेकिन आपसे मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगी, और हाँ एक चीज और रहती है कि अगर आप मास्टर्स में आते हैं तो आप मास्टर्स में फोरेंसिक साइंस को करने से पहले आपके माइंड में ये क्वेश्चन जरूर आता है कि फोरेंसिक साइंस में जॉब श्योरिटी है या नहीं है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी कि अगर आपने किसी दूसरे सब्जेक्ट में यानी कि किसी प्योर साइंस में मास्टर्स किया होता या किसी प्योर साइंस में आपने पढ़ा होता, तो क्या वहां पर 1% की भी जॉब श्योरिटी होती। मैं मानती हूँ कि फोरेंसिक साइंस में वैकेंसीज बहुत कम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस चीज को जॉब श्योरिटी के साथ में देखें। जॉब श्योरिटी तो किसी दूसरे सब्जेक्ट में भी नहीं है, यहाँ तक कि जो आप बच्चे बीटेक करते हैं उनके पास भी जॉब श्योरिटी नहीं होती है।
तो मास्टर्स फॉरेंसिक साइंस में आप कैसे जॉब शॉर्टी की बात कर सकते हैं? जॉब शॉर्टी का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जॉब आपकी खुद के ऊपर डिपेंड करती है, आपकी एबिलिटी पर डिपेंड करती है, आपकी नॉलेज पर डिपेंड करती है, और आप कितने एफर्ट्स डाल रहे हैं, कितना ज्यादा सफर कर रहे हैं उस पर डिपेंड करती है। बाकी कोई सब्जेक्ट डिनोट नहीं करता है कि इसमें जॉब शॉर्टी है या नहीं है। सीधी सी बात है, जब कोई IIT का बच्चा, जब कोई BTech का बच्चा जॉब श्योरिटी की बात नहीं कर सकता, उसके पास कोई श्योरिटी नहीं है, तो आप कैसे श्योरिटी की बात कर सकते हैं? किसी भी आपने प्योर साइंस से भी किया होता ना, तो भी आपके पास कोई जॉब की श्योरिटी नहीं होती। कोई भी नहीं कह सकता था कि आपको जॉब मिल ही जाएगी मास्टर्स के बाद में। उसके बाद में भी आपको किसी ना किसी एग्जाम की प्रिपरेशन तो करनी ही करनी पड़ेगी अगर आपको अच्छी जॉब चाहिए है तो। ठीक है, बस यहाँ पर इतनी सी बात है कि आपकी जो वैकेंसीज हैं वो कंपैरेटिवली बहुत कम है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वैकेंसीज बहुत है, लेकिन कंपैरेटिवली बहुत कम है, बस इतनी सी बात है। तो यहाँ पर जो बच्चा बहुत अच्छे से अपने एफर्ट्स कर लेता है उसकी आपकी जॉब लग जाती है, जो सिर्फ निगेटिव साइड्स देखता रहता है वो बैठा ही रह जाता है, सिर्फ निगेटिव साइड्स को काउंट करता रह जाता है। तो इसी वजह से मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि जो आप कर रहे हैं उसके सिर्फ पॉजिटिव साइड्स को देखिए, उसको अपनी मर्जी से करिए, उसको लेकर के कभी रिग्रेट मत करिए। क्योंकि जब आप किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक होते हैं, आप उसके लिए बहुत खुश होते हैं जो आप कर रहे होते हैं, जो चीजें आपके पास होती हैं आप उसको लेकर बहुत पॉजिटिव फील करते हैं, तो उस कंडीशन में आपकी सराउंडिंग भी बहुत पॉजिटिव हो जाती है। और जब आपकी सराउंडिंग पॉजिटिव हो जाती है तो जो भी आप कर रहे होते हैं, जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट होता है, तो उसमें आपका करियर बहुत ज्यादा हाइट्स तक पहुंच जाता है। तो बस सिंपल सी यही बात है कि जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो करिए, बस पेशेंस, डेडिकेशन और क्यूरियसनेस ये आपके पास जरूर होना चाहिए। ठीक है, अब यहां तक तो आपकी बात हो गई कि हमने मास्टर्स कर लिया, अब हम स्पेशली बात करें कौन कौन सी फील्ड में जॉब है। तो बेसिकली यहाँ पर अगर हम जॉब की बात करें तो यहाँ पर UPSC के थ्रू वैकेंसीज आती हैं, जहां पर एक्सपीरियंस मांगते हैं। तो एक्सपीरियंस वाला वीडियो आप देख लीजिएगा कैसे कैसे गेन कर सकते हैं, मैंने आपको पूरा डिटेल में वहां पर बताया है। उसके अलावा यहाँ पर वैकेंसीज आती हैं डायरेक्टली SSC के थ्रू आती है, SSC सिलेक्शन पोस्ट। उसके अलावा FSSAI के थ्रू आती है, अगर किसी को फूड इंडस्ट्री में थोड़ा सा इंटरेस्ट है तो वहां पर जो फूड सिक्योरिटी वाली वैकेंसीज रहती हैं, तो वो भी आपका एक तरह से फोरेंसिक साइंस डायरेक्टली तो नहीं बोलूंगे, लेकिन जो फूड एडल्ट्रेशन वाला काम रहता है तो वो आपका फूड सेफ्टी वाले में आने तक इसको FSSAI के थ्रू वैकेंसीज आती है, तो वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा इंटेलिजेंस ब्यूरो की वैकेंसीज आती है, उसकी आपकी इंटेलिजेंस ब्यूरो की आपकी SSC के थ्रू भी आती है। उसके अलावा यहाँ पर आपकी फिंगरप्रिंट ब्यूरो हो गया, NCRB हो गया, तो ये बेसिकली आपकी तरह पुलिस ऑफिशियल्स होते हैं उनके लिए होती है। तो इनके लिए अगर आपको जाना है तो उसके लिए आपको SSC का की थ्रू जो SI की वैकेंसीज आती है या फिर जो स्टेट वाइज SI की वैकेंसीज आती है आपको उनके लिए जाना चाहिए, क्योंकि जो फिंगरप्रिंट ब्यूरो है और NCRB है इसमें बेसिकली जो आपके एक्सपीरियंस जो पुलिस ऑफिशियल्स होते हैं उन्हीं की आपकी बेसिकली कह सकते हैं कि उन्हीं का प्रमोशन होता है या फिर उन्हीं का ट्रांसफर होता है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट। तो इस वजह से अगर आपको फिंगरप्रिंट ब्यूरो या NCRB में जाना है तो उसके लिए आपको SI या फिर कोई भी पुलिस की जो वैकेंसी होती है उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीजें हो गई, बाकी फिंगरप्रिंट ब्यूरो के लिए आपको कैसे कैसे अप्लाई करना है तो उसका भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, तो आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, तो वहां से भी आपको जो भी डाउट्स होंगे तो वो क्लियर हो जाएंगे। अब इतनी चीजें हो गई, तो बेसिकली यहाँ पर स्पेशल आपका बेसिकली हो गया कि आपके SSC सिलेक्शन पोस्ट, SSC के थ्रू जो SI की वैकेंसीज आती है, SSC के थ्रू जो IB की वैकेंसीज आती है, IB की जो अलग से वैकेंसीज आती है, FSSAI की जो वैकेंसीज आती है, UPSC के थ्रू जो वैकेंसीज आती है, तो ये कुछ आपकी वैकेंसीज है। इसके अलावा और बहुत सारी वैकेंसीज आती है, जैसे कि आपका प्रोफेसर वगैरह हो गया यूनिवर्सिटी में तो उसकी भी आती है, तो उनके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हो गई हैं और इसके अलावा और बहुत सारी होती हैं, तो उसका भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, तो आप चाहे तो उसको देख सकते हैं, तो वहां से जितने भी आपके डाउट्स होंगे तो वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा स्टेट वाइज वैकेंसीज आती है, जैसे कि उत्तराखंड की अलग आती है, महाराष्ट्र की अलग आती है, राजस्थान की अलग आती है, UP की अलग आती है, तो ये सारी भी वैकेंसीज आपकी स्टेट वाइज आती है, तो आप उनके लिए भी जा सकते हैं। तो ये तो हमने बात कर ली कुछ जो गवर्नमेंटेड वैकेंसीज हैं आपकी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप प्राइवेट कुछ भी कर सकते हैं, प्राइवेट अगर आप चाहें तो अपनी लैब खोल सकते हैं, प्राइवेट अगर आपके पास नॉलेज है बहुत अच्छी तो आप किसी भी तरह से कुछ भी कर सकते हैं। प्राइवेट में आप प्राइवेट लैब खोल सकते हैं, उसके अलावा और अच्छा ऑप्शन रहता है, आप जिस भी एरिया में रहते हैं उस एरिया में कहीं ना कहीं कोर्ट डेफिनेटली होगा, पुलिस स्टेशन डेफिनेटली होगा, तो वहां पे जो पुलिस ऑफिशियल्स होते हैं, जो एडवोकेट्स होते हैं, उनसे मिलिए,
उनसे बात करिए, उनको अपने बारे में बताइए और उनको ये बताइए कि आपकी जो नॉलेज है वो उनके किस तरह से काम आ सकती है, क्योंकि उनको भी, उनके पास बहुत सारे केसेस आते हैं, उनको भी सॉल्व करना होता है और उनको सॉल्व करने के लिए उनके पास उतनी नॉलेज नहीं होती। तो जब आप उनके पास जाएंगे, आप खुद से अप्रोच करेंगे तो उनकी बहुत हेल्प होगी, और जब उनकी हेल्प हो रही होगी तो वो मना क्यों करेंगे। ठीक है, एक तो ये हो गया एडवोकेट वाला। बाकी पुलिस ऑफिशियल्स जो रहते हैं तो वो जनरली क्राइम सीन पर जाते ही रहते हैं, तो आप उनसे बात कर लीजिए, उनको समझा दीजिए ऐसा ऐसा कि आप किस तरह से उनकी हेल्प कर सकते हैं, तो वो आपको अपने साथ में लेकर जाएंगे। तो वहां पर आप जो लाइव आपका एक इन्वेस्टिगेशन होता है तो वहां से आप उसको देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं और बाकी चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं जो पुलिस ऑफिशियल्स होते हैं। तो इससे एक तो ये रहता है कि हो सकता है कि वो आपको थोड़ी बहुत अर्निंग आपकी वहां से स्टार्ट हो जाए, उसके अलावा जो भी आपकी नॉलेज है वो और ज्यादा इंक्रीज करेगी। और जब आप लाइव किसी भी केस को सॉल्व करेंगे तो आपकी जो नॉलेज है वो और ज्यादा इंक्रीज करेगी, और आपको केस सॉल्व करने का एक तरीका मिल जाएगा कि किस तरह से आपको केस को अप्रोच करना चाहिए, और इस तरह से आप अपनी नॉलेज को बढ़ाते बढ़ाते आप खुद की एक प्राइवेट लैब खोल सकते हैं। तो ये चीजें आपके लिए बहुत अच्छी हो जाती हैं। ठीक है, तो ये कुछ मेरी तरह से सजेशन थे, आपको अच्छा लगे तो डेफिनेटली मानिएगा। बाकी जो मैंने आपको लास्ट में बताया है एडवोकेट और पुलिस ऑफिशियल वाला, ये आपको बहुत हेल्प करेगा, तो एक बार ट्राई करके जरूर से देखिएगा, आपको बहुत हेल्प होने वाली है यहाँ से। ठीक है, तो बेसिकली ये तो बात हो गई जॉब के बारे में। आई होप जॉब से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स होते होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। और उसके अलावा यहाँ पर बेसिकली अगर हम बात करें फोरेंसिक साइंस की, तो वो उसके दो ब्रांचेस होती हैं, एक होता है आपका फिजिकल फोरेंसिक साइंस, दूसरा होता है आपका साइबर फोरेंसिक साइंस। तो अभी तो हमने सारी की जितनी भी वैकेंसीज की बात करी फिजिकल की, उसमें कई बार आपकी साइबर की भी वैकेंसीज आती हैं। अब अगर हम अलग से बात करें साइबर की, तो साइबर की वैकेंसी के लिए आपको अप्रोच करने से पहले आपको पहले ये ढूंढना चाहिए कि साइबर में भी अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, तो उसमें पर्टिकुलरली आपको किस फील्ड में इंटरेस्ट है। जैसे कि आपकी हो गई नेटवर्किंग, हो गई सोशल मीडिया, हो गया नेटवर्किंग मतलब नेटवर्क फोरेंसिक्स, आपका कंप्यूटर फोरेंसिक्स अलग है, इमेज प्रोसेसिंग अलग है, सोशल मीडिया फोरेंसिक्स अलग है, मोबाइल फोरेंसिक्स अलग है। मोबाइल फोरेंसिक मतलब जो आपका सेलफोन्स होते हैं वो अलग, मोबाइल जो मूविंग वाले जो कार होती है मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे जो आपके सेलफोन्स होते हैं उनका इन्वेस्टिगेशन। तो ये सारे कुछ आपके इसके अलग अलग ब्रांचेस होते हैं, तो पहले आप इसमें ये सोचिए, आप इसमें ये ढूंढिए, अपने आप को क्लासिफाई करिए कि इसमें से पर्टिकुलरली किस फील्ड में, किस सब्जेक्ट में आपको ज्यादा इंटरेस्ट है, आपको ज्यादा नॉलेज है और किसमें आप ज्यादा काम करना चाहते हैं। तो उसके बाद में आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं वो आपको डिप्लोमा कोर्सेज करने पड़ेंगे, तो उसके लिए आपको गूगल सर्च आउट करना पड़ेगा। और उसके बाद में आप जो भी प्राइवेट कंपनीज होती हैं उसमें अप्लाई करिए, उसमें अप्लाई करने के बाद में आपका एक एक्सपीरियंस बनेगा। एक्सपीरियंस बनने के बाद में जो यूपीएससी के थ्रू आपकी गवर्नमेंट वैकेंसीज आती हैं जहां पर एक्सपीरियंस मांगते हैं, तो वहां पर आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। तो ये चीज तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसान तो नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारा खुद पे काम करना है, तो ये चीजें होती हैं। तो आई होप यहां तक आपको जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हुए होंगे साइबर से रिलेटेड भी। तो बेसिकली ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके बारे में मुझे आपको बताना था, एंड बेसिकली बहुत सारी चीजों को यहाँ पर डिस्कस किया है। और एक पॉइंट और है, बेसिकली एक क्वेश्चन आया था कि एक अच्छे फोरेंसिक साइंटिस्ट या फोरेंसिक स्पेशलिस्ट बनने के लिए कौन कौन सी आपकी स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो जितना मैंने खुद सर्च आउट किया है, जितना मैंने सोचा है, जिसपे काम किया है, तो उसके अकॉर्डिंग पहला तो हो गया आपका डेडिकेशन, दूसरा हो जाता है आपका पेशेंस, तीसरा हो जाता है आपकी क्यूरियसनेस, चौथा हो जाता है आपकी डिडक्टिव अप्रोच, एंड पांचवा हो जाता है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी ऑब्जर्वेशन पावर। जब ये सारी चीजें आपके अंदर होंगी, नहीं भी है तो आप इसको अपने अंदर लाइए, और लाने के बाद में जब आप ये सारी चीजों को समअप करिए एंड देन आप किसी भी क्राइम सीन पर जाइए या फिर किसी भी केस के बारे में सोचिए और फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट करिए। जब ये सारी चीजों का समेशन आपके अंदर होगा तो किसी भी केस को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और दूसरी चीज एक और है कि नॉन जजमेंटल, नॉन जजमेंटल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी बंदे ने ये कह दिया तो आपने उसकी बात पर विश्वास कर लिया। आपको सभी की बात सुननी है, चाहे वो क्रिमिनल हो, चाहे वो कल्प्रिट हो, चाहे वो क्रिमिनल का रिलेटिव हो, चाहे वो कल्प्रिट का जो विक्टिम का रिलेटिव हो, चाहे विक्टिम हो, सबकी बातें आपको सिर्फ सुननी है। सुनने के बाद में उस सबको समराइज करना है एंड देन उसके अकॉर्डिंग जो भी एग्जामिनेशन वगैरह होते हैं उसके बाद में आपको रिजल्ट देना है। ऐसा नहीं है कि जिसने जो कह दिया आपने बस वो एज इट इज मान लिया, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बंदा सच ही बोल रहा हो, जरूरी नहीं है कि जो विक्टिम है, जो खुद को विक्टिम बता रहा है वो विक्टिम ही हो, या फिर जरूरी नहीं है कि जो कल्प्रिट खुद को बता रहा है वो कल्प्रिट ही हो।
कुछ भी यहाँ पर हो सकता है, कोई भी गारंटी नहीं होती है, कोई भी सच बोल सकता है, कोई भी झूठ बोल सकता है। तो इस वजह से नॉन जजमेंटल होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये सिर्फ फोरेंसिक साइंस की बात करें उसमें भी, और उसके अलावा अगर हम नॉर्मली अपनी लाइफ की बात करें तो वहां पर भी आपको नॉन जजमेंटल होना बहुत जरूरी है। सिर्फ आपको किसी भी बुक के कवर से किसी भी चीज को जज करना इज नॉट जस्ट दैट सफिशियंट। जब तक आप उस बुक को अच्छे से पढ़ नहीं लेते हैं तब तक आप उसको नहीं समझ सकते कि उस बुक के अंदर क्या है। सिर्फ उसके कवर पेज पर क्या बना हुआ, उसकी क्या डिजाइन है, उसको देखकर आप कुछ भी जज नहीं कर सकते हैं। और अगर आप जज कर रहे हैं तो आपसे बड़ी गलती कोई नहीं करता है, क्योंकि कई बार कह रहता है कि कवर कुछ और कहता है। हो सकता है कि कवर जो कह रहा है वो सेम हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि जितना कवर पे जो कुछ लिखा हुआ है वही सब कुछ अंदर हो। अंदर हो सकता है उसका मतलब कुछ और हो राइटर के कहने का। तो वही चीज है कि किसी भी बंदे पे, किसी भी इंडिविजुअल पे आपको डायरेक्टली ऐसे ही विश्वास नहीं करना होता है। तो आपको नॉन जजमेंटल होना बहुत जरूरी होता है। सो बेसिकली यहाँ पर जितनी भी सारी क्वेरीज थी आपकी, मैंने सॉल्व करने की पूरी कोशिश करी है। बाकी जो फिंगरप्रिंट ब्यूरो का स्पेशलाइज्ड अलग से वीडियो बना है, एक्सपीरियंस का अलग से वीडियो बना है, और जॉब मतलब बेसिकली जो वैकेंसीज कहाँ कहाँ पर आती है, करियर आप कहाँ कहाँ पर सेट कर सकते हैं फोरेंसिक साइंस का, तो ये तीन वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा। उसके बाद में आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। एंड बेसिकली इस वीडियो में आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और फिर भी कुछ रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, उसका रिप्लाई आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। एंड दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन। आई होप सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा, एंड इसको शेयर भी ज्यादा से ज्यादा कर दीजिएगा ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच जाए। और जो भी फोरेंसिक साइंस का स्टूडेंट है, कोई भी रिलेटेड है फोरेंसिक साइंस से, उसका अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसके उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और बेसिकली अच्छे अच्छे काम करिए, अच्छे से डेडिकेशन के साथ में पूरी अपनी 100% देते हुए इस फील्ड में काम करिए। डेफिनेटली आपको आपका करियर सेट होना ही होना है और बहुत अच्छी जगह होना है। बस जो भी आप कर रहे हैं उसकी हमेशा सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव साइड्स पर फोकस करिए, उसकी नेगेटिव साइड को बिल्कुल भी मत ध्यान दीजिए। क्योंकि नेगेटिविटी बहुत सारी है लेकिन पॉजिटिविटी बहुत ही कम है। आपकी फोरेंसिक साइंस की अगर हम बात करें तो फोरेंसिक साइंस को लेकर सब ये तो बताते हैं कि इसमें ये नहीं है, उसमें वो नहीं है, इस कॉलेज में ये कमी है, उस कॉलेज में वो कमी है, लेकिन किसी ने ये बात करी कि जब आप इसमें हैं तो इसमें क्या क्या अच्छाई है, क्या क्या इसकी पॉजिटिव साइड है, इसके बारे में तो कोई बात करना ही नहीं चाहता, कोई करता ही नहीं है। तो इसी वजह से आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जो भी आप कर रहे हैं फोरेंसिक साइंस में अगर कर रहे हैं, उसकी सिर्फ पॉजिटिव साइड को एक बार देखकर देखिए, आपको खुद समझ में आएगा कि आप इस फील्ड में कुछ भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो भी डेवलपिंग आपकी फील्ड होती है उसमें सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती हैं कुछ भी करने की, रादर देन अगर कोई डेवलप्ड है। डेवलप्ड होगी तो वहां पर आपका बहुत ज्यादा फाइट होगी, बहुत ज्यादा आपकी प्रॉब्लम्स होगी, लेकिन जो डेवलपिंग है जहां पर ग्रोथ हो रही है सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपको वहीं मिलने वाली हैं, क्योंकि वहां पर अलग अलग एरियाज आप खुद से देखते हैं, आप खुद से अपने आप बनाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये फील्ड मेरे अकॉर्डिंग बहुत अच्छी है। और मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, सीनियर्स थे, जूनियर्स थे, बहुत सारे लोगों को रिग्रेट था इस बात का, लेकिन मुझे आज तक कभी रिग्रेट नहीं हुआ कि मैंने फोरेंसिक साइंस क्यों किया। मैं पहले भी बहुत खुश थी और अभी भी मुझे कोई कमी नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती कि मैंने फोरेंसिक साइंस क्यों किया। क्योंकि अगर आप किसी फील्ड को अपना 1% भी दे पाते हैं ना, तो आपको अंदर से बहुत खुशी होती है, और मुझे है। तो इसी वजह से मैं ये चाहूंगी कि आप सभी भी इसके फोरेंसिक साइंस के सिर्फ पॉजिटिव साइड्स को देखिए और रिग्रेट करना बंद करिए, और अपना 1% भी इस फील्ड को आप देते हैं तो आपको भी बहुत खुशी होगी। एक बार करके जरूर से देखिएगा, ठीक। सो ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। शेयर जरूर से कर दीजिएगा प्लीज।